फाइनली मुशक्कत के बाद मेरे को और सुमित को क्या आप मिल गए और भाई दोनों अलग लग रहे हैं, ताबड़ तोड़ लग रहे हैं भाई मनाली में, लोग देख देख के जा रहे हैं। भैंस गए यार, मैं पता क्या सोचा, कैसे आप सभी, आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आदि जो आप देख रहे हैं देसी बाकी व्लॉग्स। भाई कल रात को हम सो चुके थे, तो सोने के बाद भाई हमारे फोन्स कैमराज एंड ऑल कुछ भी चार्ज नहीं था। पहले तो मेरा रूम देखो जहाँ पर मैं रुका हूँ, देखो सेटअप दिखाऊंगा तो तुम पागल हो जाओगे। इतना सारा सामान लाया ना भाई, हम यूट्यूबर्स लाइफ एक्चुअली ऐसी होती है भाई कि हमारे सामान सारे बिखरे होते हैं। ये सुमित के बैग पड़े हुए हैं, यहाँ पर इसके जूते हैं, यहाँ पर एक अटैची है, इसके अलावा पता नहीं क्या क्या, उसका मोबाइल वहाँ चार्ज हो रहा है जिससे वो कर रहा है, एंड शूट तो अभी उसी ने पकड़ा हुआ है। तो भाई थैंक यू सो मच मेरा भाई, हमेशा हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सो गाइज अभी मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ मैं रुका हूँ वो है सरदार विला कॉटेज। तो इस कॉटेज की खासियत यह है कि भाई सबसे पहले ये सारा हमारा ही है, पूरा हमारे लिए बुकड है। इसका रूम टूर करवाता हूँ, ये तो मेस्ड अप है, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई लोकेशन अगर चाहिए जहाँ पर आप आओ और आपको मिले भाई सबसे अच्छा इन्वायरमेंट, खाना पीना एंड ऑल, तो भैया यहाँ पर है। देखो सबसे पहले तुम्हारे लिए एक पूरा का पूरा डाइनिंग हॉल जहाँ पर तुम बैठ के बिल्कुल आराम से शहनशाहों की तरह इंजॉय कर सकते हो, अपना दोस्तों के साथ बैठ के चिल कर सकते हो, हुक्का लगा सकते हो आराम से बैठ के, कुछ भी ड्रिंक एंड ऑल जो भी तुम्हारा मन करे वो कर सकते हो। साथ ही साथ अगर अपनी फैमिली के साथ आते हो तो डाइनिंग टेबल इज ऑल्सो देयर फॉर यू गाइज, एंड ये चीज़ सबसे अच्छी होती है कि हमें हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है एक पूरे कॉटेज में। तो ये किचन है कि अब अगर खाना बनाना है पर्सनल अपनी रसोई मिल जाएगी, यहीं कुक करो यहीं खाओ। ठंड बहुत होती है मनाली में, उसके लिए भी बंदोबस्त है। अगर आपको ये पूरा गर्म रखना है तो भैया यहाँ पर आप अपनी लकड़ियाँ इंजॉय करके जला के बैठ सकते हो, पूरा का पूरा बिल्कुल गर्म हो जाएगा, माइनस टेम्परेचर हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैं सेटअप है कुछ इस तरीके का, ये बिल्कुल फ्रेश रूम है जो अभी बिल्कुल मैसअप नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसे ख़राब नहीं किया हमने। रूम कुछ इस तरीके का है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, हर चीज़ की फैसिलिटी आपको इजीली मिल जाएगी यहाँ पे, आपके सामने है देख सकते हो, और लाइट्स भी हैं ऐसा नहीं है, और गीज़र सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ऑन है बिल्कुल, देखो परफेक्टली फाइन, वॉशरूम बिल्कुल नाइस। तो भैया और क्या चाहिए आप लोगों को, और इसमें चार हैं जिसमें कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ रह सकते हो। अगर सिंगल किसी को लेना है तो भाई कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड बाहर का व्यू कुछ दिखाऊं तो भाई सबसे पहले देखो तुम माउंटेन व्यूज़ तुम्हारे बिल्कुल बालकोनी से सामने सामने आएगा, साथ में कुछ ऐसे बैठ के आप नीचे बॉनफायर एंजॉय कर सकते हो। और जैसे नीचे रूम थे सेम वैसे ही यहाँ पे दो रूम और हैं, तो के साथ अगर बच्चे हैं उसका भी भाई पूरा ख्याल रखा हुआ है। तो ये बेसिकली पर्टिकुलर ये एरिया है जहाँ पे देखो यहाँ पे कैरम, यहाँ पर अपने बच्चे खेलते रहें, आप लोग नीचे एंजॉय करो और सामने माउंटेन व्यू पूरा का पूरा एज इट इज़। और आपको क्या चाहिए भाई, बाहर का व्यू दिखा दूंगा इस होटल का, हम लोगों को मनाली भी एक्सप्लोर करना है, वहाँ का कुछ आपको दिखाते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, देन उसके बाद चलते हैं दिल्ली। द सरदार कॉटेज जहाँ पर हमने स्टे लिया था कल रात को, और भाई बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, रिकमेंडेड प्रॉपर्टी है, आओ विशाल भाई से कॉन्टैक्ट करो, नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड वाकई में बहुत मज़ेदार, मतलब जिसे कहते हैं ना मतलब प्रॉपर्टी भाई वो है ये, यहाँ मैं जब भी आया हूँ ना मैं हमेशा मैंने यहीं स्टे लिया है, और व्यू भाई बहुत ज़बरदस्त है, और सबसे बड़ी बात है इको फ्रेंडली नेचर वाले बंदे हैं यहाँ पे, बहुत सपोर्टिव, और काफ़ी अच्छा प्राइस आपको मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट करो इस प्रॉपर्टी पर अगर किसी को आना है पार्टी करनी है, भाई सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर।
फाइनली हम लोग निकल चुके हैं विशाल भाई के होटल से। तो ये कल्याला रोड पे पड़ता है जैसा कि मैंने आपको बताया था, दसेडार कॉटेज। आओ भाई रहो, और अभी हम आगे चलते हैं और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। भाई मज़ा आएगा आप लोगों को कि भाई हम कहीं आए हैं तो भाई यहाँ पे फ़न करके तो पूरा पूरा जाएंगे। और ऐसी जगह आने का ना यार मन इसीलिए करता है कि जब हम जाएँ तो फ़न करके जाएँ। यहाँ से स्नोफॉल गिरेगी, चांसेस हैं कल का 100% 80% स्नोफॉल बोला हुआ है, लेकिन हम निकल गए हैं। अगर हमारा मन बना तो रुक जाएंगे, है सोमो? अगर चांस बना तो फिर कल निकलेंगे यार सुबह। अभी तो मेरा मन है कि मैं घूमूं और कोशिश करते हैं कि रोहतांग ये अटल टनल के पास चलने की कोशिश करें। बंद है यार दुख हो रहा, कितने बुरे से बोल रहा हूँ, सुमित आए थे तो कवर करके जाते। कभी भी आओ भाई एचपी में तो जो चढ़ाई पे चढ़ रहा है उसको साइड ज़रूर देनी चाहिए अपने को। एंड गाइस आई होप आपको व्लॉग पसंद आ रहा होगा। अभी तक का सारा व्लॉग हम आप लोगों के लिए ऐसे ही कवर करते रहेंगे एंड देन आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड व्यू तो भाई अपना अच्छा है ही, हर चीज़ आप इजीली कर सकते हो यहाँ पर आके। एंड ब्लॉगर लाइफ कुछ ऐसी होती है भाई कि हमें कहीं आना था तो हम जहाँ भी आ गए चले गए। एंड बाकी का जो भी व्लॉग रहेगा वो आपको अपडेट रहेगा कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। एंड कल हम गए थे सेथन विलेज, सेथन विलेज में हमने 2 दिन काटे आराम से इजीली। एंड उसके बाद फिर जो भी फ़न किया ना भाई वो व्लॉग में आपको देखने को मिला होगा। और अभी का तो यही सीन सॉर्टेड है भाई कि आप अगर आप कहीं जा रहे हो तो भाई प्रिपेयर होके जाओ, हैं सुम्मू? बैग पूरे पैक करके रख के जाओ भाई, लिमिटेड बैग लेके जाना। यार हमने ना बहुत बसड़ कर ली कि इतने ज़्यादा बैग कर लिया ना, वो नहीं करने चाहिए थे, उसमें ना बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। बाकी चलते हैं आगे मनाली मॉल रोड एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा कुछ खाते हैं। मुझे वहाँ के चॉपस्टिक के मोमोज खाने हैं और बहुत सारी चीज़ें, जॉनसन कैफ़े का पिज़्ज़ा। अगर मनाली आते हो तो भाई ये 5-4 चीज़ें कवर कर लेना, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। आज तो वैसे भी थोड़ा ऑफ सीज़न है, खाली खाली है, ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं, तो हम इन्जॉय अच्छे से कर पाएंगे और मज़ा भी आएगा। बट लेकिन अब आ रहे हैं टूरिस्ट क्योंकि कई लोगों को पता चल चुका कल का स्नोफॉल है। और सुमित कह रहा है पाजी दिल्ली चल लो या फिर कहीं चल लो, बहुत देख ली भाई बर्फ सर्वाइव भी कर लिया कैंपिंग में रह गए। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ भाई रुक जाते हैं एक दिन और देखते हैं। चलो भाई चलते हैं, हम ऑलरेडी दिखाते हैं सीधा। तो हमारे होटल से मॉल रोड सिर्फ मात्र 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के आसपास है, समझो 3 किलोमीटर और आराम से आप इजीली जाओ और अपना एंजॉय करो। तो मार्केट चलते हैं, यहाँ पे भाई सब कुछ खुल चुका है, KFC पिज़्ज़ा हट जिसको जो खाना है वो खाओ, लेकिन जो नॉर्मल चीज़ खाने का मज़ा है भाई वो तो अलग ही है ना, वो फिर अलग ही फन होता है। पहाड़ों पर बर्फ़ देखो, आज अगर मनाली में बर्फ़ गिरती है ना भाई सुमित मैं तो कह रहा हूँ रुकूंगा मैं तो यार। क्या बोलते हैं यार, मेरे लिए नहीं रुकोगे आप? यार मैं आपके लिए इतना करता हूँ, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो? ट्राई करते हैं भाजी, सच्चे में यार। देखो लेकिन वो सुमित अब देखो ना, सोलांग वैली 18 है, मनाली 2 किलोमीटर है, रोहतांग 56 है। अब आपको मन में लालच नहीं आ रहा? मैं तो कह रहा हूं स्पीड ही चलते हैं। भाई हम लोग आगे निकलने के पूरे पूरे मूड में, बट चलो कोई बात नहीं आगे चलते हैं। अभी मॉल रोड फिर उसके बाद हमें 1-2-3 चीजें और करनी है, वो करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। चॉपस्टिक्स जाना मत भूलना। सेकंड चीज़ आती है अपना शेरे पंजाब भाई, यहाँ का खाना भी बहुत बढ़िया है, अगर आप आते हो यहाँ खा सकते हो। भाई ने टक्कर मार दिया मेरे को बड़ी जबरदस्त से। मॉल रोड एक्सप्लोर करने के लिए सुबह पाजी कुछ है नहीं इतना ना, बस आओ अपना शॉपिंग वॉपिंग करो, कुछ खाना पीना करो और उसके बाद चीज़ें हैं जो यहाँ पर फेमस है। हाँ वो हम दिखाते हैं, उनमें से एक चीज़ तो हम खाने आए हैं, चॉपस्टिक, उसके बाद ब्राइट पकौड़े और सॉफ्टी लेंगे। एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ इज़ ईजी वे टू कम इन मनाली, HRTC बस स्टैंड मनाली का बिल्कुल मॉल रोड के सामने है और यहाँ पर होटल्स भी मिल जाएंगे ईजिली, अच्छे अच्छे सस्ते सस्ते। बट मैं हमेशा प्रेफर करूँगा जहाँ मैं रुका हूँ ना भाई वहाँ जाओ, तो वहाँ पे थोड़ा आपको ये भी है कि ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। और बाकी का तो देखो स्नोफॉल होने के पूरे पूरे चांसेस है, लेकिन आज हम जा रहे हैं पर देखते हैं, रुक भी सकते हैं, वेट करो दिखाते हैं आपको। और चॉपस्टिक चलते हैं लाला, चले हमारे राइट साइड पे है भाजी। चलो चलो भाई फुल घूम रहा है परमेश्वर मन के सारे देख रहे हैं। ये यार ऐसी मजे लेते हैं हम तो। चलो चल रहे हैं आज, अभी परमेश्वर के नाम से जाने पर बोलेंगे जा रहा हुआ। चल भाई आजा, आ गया चॉपस्टिक हमारा, ये रहा भाई सामने। चलो
भैया फाइनली जो मेरे को टोपी चाहिए थी ना वो मेरे को आ रहा हूँ मैं करण गारमेंट्स पे आऊँ इन पे मिलेगी नहीं मिलेगी यस मिल जाएगी भाई 100% अंकल ही बैठे हैं सबसे पहले लगा के जो मुझे टोपी चाहिए अंकल मेरे को जो आपने कैप लगाई है मुझे ये वाली कैप के कलर्स दिखा दो ऐसा जैसा चाहिए बोलो हाँ ऐसा ही चाहिए मेरे को भाई ये कैप ना करण गारमेंट्स का मिली है पूरे मनाली में सर्च कर ली मैंने कहीं नहीं मिली सबने बताया कि भैया अगर जाना है तो अंकल के यहाँ पे जाओ आपको सारी चीजें मिल जाएंगी भाई साहब कौन सा कलर लिया जाए भाई अंकल ने जो पहना वो तो बहुत खतरनाक है मैं सोच रहा हूँ वही वाला लूँ वो वाला वैसा जैसा भैया करण गारमेंट्स आओ यहाँ पर ये चीज मिल जाएगी ये कैप वाकई में बहुत अलग है भाई नेक्स्ट लेवल ये लेनी है भाई मेरे को गाइस आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पर कैंपिंग के भी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अंकल के पास गैस चूल्हा स्टोव एंड ऑल हमने कैंपिंग करी आप लोगों ने देखा कैसे सरवाइव किया था हमने -8 में सेथन पे अगर आप लोग आते हो भाई तो मनाली से यहाँ से भी आप शॉपिंग करके ले जा सकते हो बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है यहाँ पे देख सकते हो आपके सारी चीजें अवेलेबल है ग्लव से लेके सब कुछ अवेलेबल है अंकल के पास लाइट टॉर्च लाइट सब और स्लीपिंग बैग्स भी ये रहे भाई देख सकते हो एंड बूट्स देख सकते हो स्नो बूट्स नाइस ये करण गारमेंट्स पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा मनाली आते हो तो मैंने पूरा मनाली सर्च किया ट्रस्ट मी गाइस नहीं मिला भाई मैं एंड में एक एक बंदे से पूछता आया हूँ कि किसके पास जाना है दे सेड के भाई गो टू करण है गारमेंट्स लास्ट शॉप है बेसमेंट में है वहीं मिलेगा वरना आपको कहीं नहीं मिलने वाला कभी अगर कुछ रह जाता है ना दिल्ली से या मिस हो जाता है तो भाई ये ले आओ सो गाइस फाइनली तुम्हारे भाई ने ले लिया ये वाली कैप और भाई ये ढूंढता ना मैं आया हूँ बहुत मुश्किल से मिली है मेरे को सीरियसली अभी सुम्मू सिलेक्ट कर रहा है कि कौन सी लेनी है सुम्मू भाई पसंद आई कोई पहन के तो दिखाओ बाल ही तो खराब होंगे अब तो पहन के चलनी है यहाँ से बात उसकी नहीं है ट्राइड ब्रो ट्राई तो मैं कर रहा हूँ वाह यार वाह ये तो रिमूवेबल है ब्रो भाई कसम से कह रहा हूँ एक बार जाके ना मेरे कहने पे दाढ़ी से मैच हो रही है जाके ट्राई कर दे कलर बाकी देख लियो जैकेट उतार के पहन जैकेट उतार के देख तब तक को समझ आएगी एक्चुअल में क्या है भाई सो गाइस दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ओनली इन करण गारमेंट्स इन द बेसमेंट शॉप एंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन डायरेक्टली कोऑर्डिनेट विद देम दे गिव यू ईच एंड एवरीथिंग जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें वो सब आपको मिलेगा भाई हर चीज़ देख सकते हो स्नो स्टिक्स गोगल जैकेट शूज भाई ईच एंड एवरीथिंग भाई सीरियसली आई एम अमेज्ड भाई मेरे को मतलब दिल खुश हो गया मेरा और अंकल की जो एक टोपी है ना वो सिर्फ एक ही है भाई और वो यहाँ कहीं मिलेगी नहीं इंडिया में उन्होंने भी ये चीज़ बोल दी लेकिन उन्होंने मुझे सिमिलर टाइप दिया जो कि अच्छी है काफ़ी और आगे देखते हैं सुम्मू पाजी को कौन सी पसंद आई है पाजी कौन सी पसंद आई ये परफेक्ट इसके जोड़े ले लो वैसे तो मैं बोलूँ भाई ये भी बहुत सही थी लेकिन अंकल इसका रेट बता रहे हैं 1500 के आसपास अराउंड और इसकी यार क्वालिटी इतनी अच्छी है ना अब देखो निकालने से भी नहीं निकल रहा एक होता है ना कि कैप में लगा देते तो इन चीज़ें निकलती हैं बट वो नहीं है भाई ये बहुत अच्छा लगा मुझे किसी को भालू बनना तो ये भी बहुत मस्त है तो सागर माता के नाम से अगर माउंटेन थोड़ा सा बोलो आप प्लीज बोलिए माउंटेन का कुछ भी चाहिए सो अंकल का कहने का मतलब है माउंटेन के रिलेटेड माउंटेन ट्रैक्स के रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए तो देन सागर माथा पे के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं तो आप ले सकते हो माइनस तक भी जाके मतलब काम करते हैं ड्राई क्विक ड्राई ट्राउजर जो होता है माउंटेन के लिए पॉन्चू हो गया बैग्स हो गया स्लीपिंग बैग हो गया सब मिलेगा सो गाइस आप लोगों के सामने है मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है मैं भी अगर चेक कर सकता हूं सागर माथा ऑफिशियल सर्च कर सकते हो आप सो वेबसाइट है इनका खुद का जाके आप जाके चेक कर सकते हो गाइस तो आपके सामने है और भी बहुत सारी कैप्स अभी ये निकाल के दिखा दो यार कौन कौन सी और कैप्स हैं तो वो भी दिखा देते हैं देखो यार बहुत सारी कैप्स हैं इनके पास मतलब जो भी आपको लेना है वो ले सकते हो टेम्परेचर वाइज अपने हिसाब से कर सकते हो बैग्स बहुत प्यारे प्यारे हैं लगाने वाले कैरी करने वाले कैप्स हैं इतनी सेक्सी सेक्सी भाई हेलमेट्स हैं भाई साहब देखो यार यूनिक हेलमेट्स क्या बात है यार मजा आ गया फाइनली मशक्कत के बाद मेरे को और सुमित को कैप मिल गई और भाई दोनों अलग लग रहे हैं ताबड़ तोड़ लग रहे हैं भाई मनाली में लोग देख देख के जा रहे हैं मैं पता क्या सोच रहा हूँ एक ना यार पुनीत पाजी के लिए भी ले लेते हैं यार क्या बोलते हो ले ले हाँ यार वो भी यार इधर उधर जाता ना पुनीत भाई के लिए ले लेते हैं यार सेम कलर सेम बिल्कुल चल भाई जब आए हैं ना तो अपने भाइयों के लिए भी कुछ लेके जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है और फिर अब दोबारा जाना पड़ रहा है हमने इतनी सारी कैप्स ले ली थी अब एक और ले लेते हैं यार बट यार ये वाकई में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है सीरियसली गाइस सो भाई अब चलते हैं दिल्ली फटाफट हमने जो लेनी थी सामान ले लिया कैप्स वैप्स ले ली जो हमें चाहिए थी बहुत मुश्किल से मिली है भाई ये सारी कैप्स हमने ढूंढ ढूंढ के ना एक घंटा लगा दिया और अब फटाफट गाड़ी निकालता हूँ और हमें लगना है दिल्ली भाई सुबह तक और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट ट्रिप आने वाला है वो ज़रूर देखना एंड पार्किंग में चलते हैं फटाफट चलो